बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म करे जी। रमेशा बताएं, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, रुमेशा माइक ऑन करके बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है। कोई बता दे, किसी को भी नहीं आ रही जी। फजील, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, ठीक है, क्लोज करेंगे। अच्छा जी, मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन दिया था इन्वेंट्री कार्ड बनाने को। मैंने कहा था कि उस क्वेश्चन का इन्वेंट्री कार्ड बनाना है, तो ये डस्का रिटेल्स वाला जो क्वेश्चन था, तो किस कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया किसी को? कितने लोगों ने ये बनाया इन्वेंट्री कार्ड घर पे? इसकी वैल्यूएशन कितने लोगों ने की है? ये हैंड रेज करें जरा। शाबाश शाबाश शाबाश, क्विक क्विक क्विक, जल्दी करें। स्लो क्यों है? अच्छा जी, ये लोगों ने अटेम्प्ट किया है, उन्होंने मेरा ख्याल बना लिया कार्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम आया हो कार्ड बनाते हुए, कोई मसला आया हो, वो हैंड रेज कर दे। जी रुमैसा, आपने हैंड रेज किया हुआ? सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर मेरा कल का लेक्चर ना लाइट नेट इशू होने की वजह से सारा मिस हो गया था लास्ट से, तो सर काइंडली आप अपलोड करवा सकते हैं उस लेक्चर को। थैंक करवा देते हैं, कल वाला लेक्चर, यू सर। कल वाला लेक्चर अपलोड करवा दें, ठीक है? लेकिन आज थैंक अगर यू। आप गौर से पढ़ेंगी तो ये कल वाला मामला आज ऑलमोस्ट रिपीट होना है। खैर, रिपीट तो नहीं है, आगे हम चल रहे हैं, लेकिन वो दूसरी टेक्निक से कार्ड बनाएंगे, ठीक है? क्लोज करो ओके इसको। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोग आगे चलने लगे हैं। अब इसमें काम क्या रह गया जी हमारे पास? ये हो गया ना, ये तो काम हो गया, ये भी हो गया, आगे चलो। हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, कल हमने जो क्वेश्चन था उसकी हमने वैल्यूएशन कर ली, अगर स्टॉक कॉस्टिंग कर ली, वेटेड एवरेज से भी और फाइफो से भी। लेकिन अगर वो कहे कि जी अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इसकी वैल्यूएशन करें, तो और तो पर फाइफो के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे हमने वेटेड एवरेज में कॉस्टिंग की परपेचुअल में, और परपेचुअल में और पीरियोडिक में फाइफो कॉस्टिंग के जरिए एक जैसा ही आंसर आया। लेकिन जब वो कह देगा कि जी कार्ड बनाएं, तो फिर मुझे कार्ड बनाना पड़ेगा। कार्ड स्पेसिफिकली बनाया जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है, ये पीरियोडिक में भी बन सकता है, ठीक है? और दोनों तरह से बन सकता है, उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो क्वेश्चन आप लोगों ने कल किया है, मेरा ख्याल हमें उसे अटेम्प्ट करना चाहिए, रादर कि हम इसे करें, वो डस्का रिटेल वाले को करना चाहिए। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, इसके आपने क्या किया, इसकी आपने फाइफो कॉस्टिंग की पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, और फिर कार्ड बनाया जो कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बनता है, ठीक है? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब वो आपसे ये कहे कि जी कॉस्टिंग करें फाइफो मेथड के तहत स्टॉक की, ठीक है, कार्ड का कोई जिक्र ना करे, तो आपने क्या करना है, ना किसी मेथड का जिक्र करे परपेचुअल और पीरियोडिक का, तो आपने सिंपल वो कल जो मैंने शुरू में आखिरी यूनिट लेके पहले क्वांटिटेटिव शेड्यूल बनाना है, फिर आखिरी यूनिट को रेट लगा के प्लस करके वो स्टॉक की कॉस्टिंग आ गई, ठीक है? अगर तो सिंपल कहे, अगर वो कहे कि जी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो है वो
कॉस्टिंग करें तो फिर भी क्या करना है, फिर भी सिंपल कर लेना है, ठीक है। अगर वो ये कहे कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में इसकी कॉस्टिंग करें तो फिर क्या होगा, फिर हमें कार्ड बनाकर करनी चाहिए। और अगर वो क्या ही कार्ड देगा तो फिर हमें कार्ड ही बनाना है। दोनों में वैल्यूएशन सेम आएगी, कार्ड के बगैर भी उतनी ही आएगी। देखें पहली बात कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में फाइफो मेथड के तहत कॉस्टिंग सेम आएगी, एक बात। फिर कार्ड अगर बनाएंगे तब भी वही आएगी, कार्ड के बगैर भी वही आएगी, ठीक है। तो फाइफो कॉस्ट परपेचुअल इन्वेंटरी के अंदर कार्ड बनाना चाहिए, अगर कहा हो फिर तो मस्ट बनाना चाहिए, और अगर ना कहा हो टाइम हो तो फिर भी कार्ड बना के ही स्टॉक की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि परपेचुअल में इन्वेंटरी की वैल्यूएशन साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चंस होती है और फिर होती है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, जो कल आपने क्वेश्चन किया था हम उसी को वेटेड एवरेज के साथ उसकी कॉस्टिंग करके देखेंगे। चलें जी, जरा ये क्वेश्चन है आपका, ये परचेजेस हैं, पहले इनकी तरतीब लगा लिया करें, 10 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी, ये जनवरी के महीने का सिर्फ कार्ड बनाना है, ये भी तरतीब से है, ठीक है। ये जो सेल रेट होते हैं ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने देखा हमारे क्वेश्चन के अंदर सेल रेट का कोई अमल दखल नहीं है, मास वाइज के स्टॉक ने कॉस्टिंग करने के बाद उसकी कहीं एनआरवी की कैलकुलेशन ना करनी हो तो फिर जाहिर है सेल रेट एक्चुअली एस्टिमेटेड यूज किए जाते हैं। तो कार्ड उसी तरह से बनाना है, निकालो जी जरा। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, ये हमारा रिसीट का कॉलम है, इश्यूएंस का कॉलम है और ये बैलेंस कॉलम है, ठीक है जी। तो ये डेट आ गई, ओके। रिसीट या परचेस जो मर्जी लिख सकते हैं आप, ये इशू या कॉस्ट ऑफ सेल जो मर्जी लिख सकते हैं, और ये बैलेंस या इन्वेंट्री जो मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डेट का कॉलम ऑब्वियसली है ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हर एक के अंदर आगे तीन तीन कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉलम किस चीज के हैं, हर एक के अंदर लिख लें, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ठीक है जी, ओके। अब सबसे पहला क्या काम हुआ जी, चेक करें जरा, ये देखें हमारे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है, ये देखें क्या चाहिए, 300 की हमारी इन्वेंट्री है, 22 रुपए के हिसाब से है, निकालो जी जरा। अच्छा, अब ये है हमारा, इसको हम लिखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्टिंग पीरियोडिक, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग में कार्ड की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो कार्ड कह दे तो फिर कार्ड बनाना है, कैसे बनाना है ये देख लें, ठीक है, ओके। तो ओके, अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि वेटेड एवरेज के अंदर जब कार्ड बनेगा तो हमें उस कार्ड को अल्टीमेटली किस तरह से शो करना है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, मैं यहाँ लिख लूंगा 300 यूनिट है जी, ये देखें 322 रुपए वाले 6600 के बनेंगे, 6600, ठीक है। ये पीरियोडिक है, सबसे आखिर में स्टॉक इसका निकल आएगा, लेकिन इसमें चूंकि हमें एक एवरेज रेट निकालना है लिहाजा हर दफा स्टॉक का, अब मेरे पास जो यूनिट पड़े हुए हैं
उनका रेट भाई ये है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, ये 1 जनवरी की बात है, उसके बाद 10 जनवरी को हमने परचेज की है, सेल तो नहीं की उससे पहले, चेक करें, परचेज की है। अब जरा देखिएगा करना क्या है, यहां पर आपने कितने यूनिट और खरीदे, 400, रेट क्या लगाया 23 रुपए, कितने के बने 9200, ठीक हो गया जी, कोई इशू नहीं है। अब जरा यहां तवज्जो करनी, आपने क्या करना है, जो यूनिट बैलेंस में पड़े हुए हैं उनमें जो यूनिट हमने खरीदे हैं वो ऐड कर देने, यानी यूनिट 300 और जमा 400 कितने हो गए 700, वैल्यू में वैल्यू ऐड कर देनी है, 92 से जमा 6600 कितना हो गया 15800, और रेट खुद निकाल लेना है, 15800 डिवाइडेड बाय 700 22.5 आगे, हाँ 7 हो गया, 2 डिजिट तक राउंड कर लेना है आपने, ठीक है। ये आपका स्टॉक हो गया, इसमें सिंगल लाइन स्टॉक शो होगा, क्योंकि जब आपने इशू करना है तो आपने ये हिसाब नहीं रखना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, सारा स्टॉक एक ही वैल्यू पे लेके आ जाना, वेटेड एवरेज की खूबसूरती ये है बेसिकली, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, सेल हुई जी, परचेज हुई, देखिए जरा सेल हुई है जी, ठीक है, कितने यूनिट बिके हैं, किस डेट को 14 जैन को यूनिट बिक गए, कितने 500। अब आप देखें, अब आपने इनकी कॉस्ट निकालनी है, तो मेरे पास स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो किस रेट के साथ पड़ा हुआ है, 22.57 के साथ पड़ा हुआ, तो मैंने उसी रेट के साथ इसे कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देना है। मैं पीरियोडिक में तो कॉस्ट ऑफ सेल आखिर में डालेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल वाले कॉलम में इतनी अमाउंट निकाल लेनी है स्टॉक की, कितना बना जी, रेट क्या लगेगा इसको, जो मेरे पास रेट पड़ा हुआ है 22.57 मल्टीप्लाई करके लिखें कितना आता है 11285, और मेरे पास बचा क्या 200, कौन से रेट वाला 22.57 वाला, और ये कितने का बचा 15800 में से ये माइनस कर दें 4000, हाँ 515, अब मेरा स्टॉक ये बच गया, ठीक है, मेरे पास 200 यूनिट जाहिर है, कोई और परचेज नहीं है तो रेट वही होगा, उसी रेट के साथ इश्यूएंस हो जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है जी, 20 जैन, क्या किया, परचेज किया सेल किया जी, परचेज किया जी, ओके। नेक्स्ट डेट को हमने क्या किया है, परचेज किया जी, ठीक है, कौन सी डेट है 20 जैन, 20 जैन है किसमें, नहीं मैं बताने लगा हूं, एक मिनट मैं बताने लगा हूं, मेरे मैं वहां गलत लिखा गया है, मैं बताता हूं इनको, 20 जनवरी कितना आता है जी 400, ठीक है 400, परचेज किया सेल किया 400, कितने वाले 25 वाले 10,000 के, 10,000 के, अच्छा ये जो हम कॉस्टिंग कर रहे हैं ना वेटेड एवरेज, ये पीरियोडिक नहीं है बेसिकली, ये परपेचुअल है, गलत लिख दिया, ये परपेचुअल है, क्योंकि परपेचुअल के अंदर क्या होता है साथ साथ एवरेज निकलती है स्टॉक, और पीरियोडिक के अंदर क्या होता है साल के आखिर में एवरेज निकलती है, ठीक है, बेसिकली पीरियोडिक में ये वाला कार्ड बनता ही नहीं है, बल्कि हम आखिर में जाके स्टॉक निकालते हैं। हाँ फाइफो में कार्ड बना के भी निकल सकता है, कार्ड के बगैर भी निकल सकता है, क्योंकि फाइफो में हम पीरियोडिक में और परपेचुअल में स्टॉक की वैल्यू सेम आती है, लिहाजा कार्ड बना के भी वही वैल्यू आएगी, कार्ड के बगैर भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन पीरियोडिक के अंदर परपेचुअल में और वैल्यू आएगी और पीरियोडिक में और वैल्यू आएगी। वजह क्या है, पीरियोडिक के अंदर ईयर की एवरेज होनी है और परपेचुअल के अंदर हर परचेज और सेल के बाद एवरेज बदलनी है, ठीक है, वो मूविंग एवरेज है, एवरेज मूव कर रही है, परचेज के साथ एवरेज चेंज होगी, सेल के साथ एवरेज चेंज होगी, लेकिन पीरियोडिक के अंदर मूविंग एवरेज नहीं है, वो एनुअल एवरेज है,
तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम साल के बाद कॉस्टिंग करेंगे। तो जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है उसके अंदर वो ये कार्ड मांगेगा ही नहीं, क्योंकि कार्ड मांगना इरियलिस्टिक सी बात है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास ये जो इसकी अपना उस दिन इशू कोई नहीं है, तो अब मेरा स्टॉक कितना हो गया, 400 ये और 200 ये, 600 ये देखें, और उनकी वैल्यू कितनी होगी, 10,000 जमा 4,515, 14,515, 14,515 को 600 से डिवाइड किया, 24.119, 2 छोड़ दें, ठीक है, 2 डिजिट तक राउंड कर लें। अब मेरे स्टॉक की भी देखे ना, स्टॉक हर परचेज और सेल के बाद स्टॉक निकल रहा है, ठीक है। तो परपेचुअल की खूबसूरती ये है कि जिस दिन ये यूनिट सेल हुए थे, इधर देखें जरा, जिस दिन ये वाले यूनिट सेल हुए थे जिनको मैं अभी टिक कर रहा हूं, उस दिन इनकी इतनी कॉस्ट एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। जिस दिन ये परचेज हुए एंट्री होगी ये वाले, ये के जी अपना इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो मेरा स्टॉक अब इस एवरेज के ऊपर इन्वेंट्री अकाउंट में की जब बैलेंसिंग करूंगा तो ये बैलेंस उसके अंदर आ रहा होगा। अब अगली आगे जी डेट, अगली डेट कौन सी है, आगे अगली है जी 21 जैन। 21 जैन को क्या हुआ, सेल हुई है, ठीक है। कितने यूनिट बिके हैं जी, 500, ठीक है। अगर फर्ज करें इस दिन परचेज भी होती सेल भी होती, तो पहले हमने इधर परचेज कर लेनी थी और फिर उस वेटेड एवरेज से हमने सेल कर देनी थी, ठीक है। फाइफो में ऐसे नहीं होता, फाइफो में पहले सेल करते हैं और फिर नए यूनिट उसके अंदर जो बच जाते हैं वो उसी दिन की परचेज होती है, और जो बिक जाते हैं वो प्रीवियसली पड़े हुए यूनिट होते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, पड़े हुए यूनिट प्लस परचेज को एवरेज करने के बाद सेल हम करेंगे, ठीक है। एनीवेज ये बहरहाल उस दिन परचेज नहीं है, सिर्फ सेल है। तो रेट क्या है, 24.19 मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट ऑफ सेल को फिगर जानी है वो निकले जी 12,095, और स्टॉक में क्या बच गया, 100 यूनिट 24.19 वाले कितने के हैं, 2,419 के। अब स्टॉक की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चौबीस सौ उन्नीस ही है कि 20 आता है, 20 आ रहा है, सॉरी वो राउंडिंग का डिफरेंस है, यहाँ 20 आता है, यही बता रहे हैं, ओके 2,420, ठीक है। अब क्या हुआ जी, अब हम कहते हैं जी, अब आगे क्या परचेज है, सेल है 21 जनवरी के बाद, 25 जनवरी को, ये हम 25 जनवरी की परचेज लिख रहे हैं, कितने यूनिट, 400 यूनिट, रेट 26 से खरीदे हैं, और इनकी वैल्यू कितनी बनी है, 10,400। अब देखिएगा क्या करना है, अभी वो ओपनिंग में पड़े हुए हैं वो, और नए खरीदे यूनिट जमा कर लें, यूनिट में यूनिट जमा कर लें और उनकी वैल्यू में वैल्यू जमा कर लें। वैल्यू कितनी बन गई जी, 10,820, 10,820 ही बनेगी ना, सॉरी 12,820, सॉरी 12,820, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें 500 के साथ, एवरेज रेट निकल आएगा स्टॉक का 25.64। वो किताब में लंबे चौड़े काम किए हुए हैं, ऐसे सिंपल कार्ड बनाना है, कोई उस तरह काम नहीं करना। उसके बाद क्या हुआ थी, 28, और ये लास्ट एंट्री है, ओके 28 जनवरी को सेल है जी हमारी, 28 जनवरी 100 यूनिट हमने बेच दिए, ये रहे, इस रेट से बेचे 25.64 से, ओके कितने की वैल्यू बनी इनकी, 2,564, 2,500, इधर रंग बिरंगा हो गया काम, चलो ठीक है। अब यूनिट कितने बच गए जी, 400, ठीक है। अब एक काम करें, 12,820 में से 2,564 निकाल दें, ताकि वो कोई राउंडिंग का फर्क हो तो वो निकल जाए, कितना आया जी, 10,256, और रेट यही रहा 25.64, कोई एक आध रुपए का राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है, मल्टीप्लाई करके देखो, ये क्या हुआ जी, ये मेरे स्टॉक की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है, ओके। अब देखें, अगर मैं यही कॉस्टिंग करता
वेटेड एवरेज के साथ, तो बड़ा सिंपल था। पहले मैं क्वांटिटी शेड्यूल बनाता, मैं यहाँ वो सॉल्व करने लगा। ये देखिए मैं क्या करता उसकी, अब ये खत्म हो गया, मैं इसी इन्हीं लाइन लाइन को छोड़ दें, क्वांटिटी शेड्यूल बनता, ठीक है। ओपनिंग कितने हैं? 300। परचेज कितने हैं? चेक कर लें, 4, 4, 8 और 4, 1200। अवेलेबल फॉर सेल कितने हुए? 1500। और सोल्ड कितने हैं? सोल्ड हुए जी 5, 5, 10, 1100। तो स्टॉक में कितने बचे हैं जी? 100। ये क्वांटिटी शेड्यूल बन गया। और अब हमने पर यूनिट वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेनी है। वो कैसे निकालेंगे? टोटल परचेज 400 मल्टी नहीं, चलो खैर आखिर में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाय 26, ठीक है, और प्लस जो स्टॉक में पड़े हुए हैं 300 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, वो कितनी है? 1200 है ना, अवेलेबल फॉर सेल 1500। तो ये मेरे पास एक एवरेज रेट निकल आएगा। क्या निकला जी? 24.13। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितनी निकली? वो निकली जी 24.13 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये निकल आई 24,130। सॉरी हाँ सॉरी सॉरी ये 24 है, 25 नहीं है, 9,153। 9,653 ये भाई स्टॉक की वैल्यू निकले। यहाँ स्टॉक की वैल्यू ये निकली। आपने देखा कि दोनों मेथड्स के साथ स्टॉक की वैल्यू चेंज हो गई, जबकि फाइफो में ऐसे नहीं था। कल आपने घर पे ये क्वेश्चन किया है, फाइफो में कार्ड बनाए तो भी वैल्यू वही आती है, और कार्ड के बगैर बनाए तो भी वैल्यू वही आती है, ठीक है। तो अगर वो कार्ड बनाना कहेगा तो कार्ड बेसिकली बनता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, ठीक है। और जब वो आपको कहे जी सिंपल कार्ड बनाए, तो फिर सिस्टम वो परपेचुअल या पीरियडिक का तो जिक्र ही क्यों नहीं है, फिर आपने कार्ड बना देना है। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री से कार्ड बन गया, जिसमें इस तरह से आपने साथ साथ एवरेज यूनिट निकालते जाना है, ठीक है। और पीरियडिक सॉरी परपेचुअल पीरियडिक में मैंने आपको कल बना दिया था, आपने बना के देखा भी है, वो चाहे फाइफो कॉस्टिंग में बना लें, ठीक है जी। तो वो कल आपने फाइफो के साथ किया था। तो इस तरह ये कार्ड के बगैर इसमें वैल्यूएशन कैसे करते हैं और कार्ड के साथ वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो ये करने के बाद हमने देखा कि फाइफो में परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों में इन्वेंट्री सेम आती है, ठीक है। और पीरियोडिक में कार्ड नहीं बनता, परपेचुअल में कार्ड बनता है। वेटेड एवरेज में पीरियोडिक और परपेचुअल में इन्वेंट्री डिफरेंट आती है। पीरियोडिक में इसमें भी कार्ड नहीं बनता, परपेचुअल में इसमें कार्ड बनता है। क्यों जी, क्लियर हुए सारी बात? कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर, कोई मसला, एनी क्वेश्चन? इसको थोड़ा करो यार, 16 पे करो। हाँ जी, सबको क्लियर है जी? हैंड रेज करें, शाबाश। यार वो लेक्चर कल वाला अपलोड कर देना याद से। हाँ जी, शाबाश शाबाश, हैंड रेज करें, जल्दी करें, मुझे पता चले फिर हम आगे चलें। एक दो बच्चों के पेरेंट्स का फोन आया, यार परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हुए हैं, अदरवाइज मैं कम से कम 2 वीक्स पहले क्लास छोड़ता हूँ। इस दफा पेपरों का शेड्यूल गड़बड़ हुआ, नोबडी नोज के एएफसी के पेपर इस तरह आएंगे और फिर कुछ दिन बाद जो है वो आपके जो है वो कैफ के पेपर होंगे। तो लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कोई परेशानी की लेने की जरूरत नहीं है। मैंने यार एक एक क्वेश्चन किया है, मुझे लपेटना होता तो मैं भी सिलेबस खत्म करके आज घर बैठा हुआ होता, ठीक है ना। तो घर वालों से लड़के क्लास नहीं पढ़ाने आया हुआ होता, ठीक है। तो आपने क्या, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मेरा एक वो रेक्टिफिकेशन प्लस फाइनल अकाउंट, वो दोनों चीजें, वो फाइनल अकाउंट ही बेसिकली रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन उसके साथ वो भी डिस्कस हो जाएगा, फाइनल अकाउंट हो जाएगा। और पार्टनरशिप मैंने बताया मुझे 2 लेक्चर्स चाहिए, और वैसे भी जब आपने पेपर दे के आना है, सारी क्लासेस खत्म हो जानी है, तो हमारी 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, तो वी विल कवर इन अ वीक और सो 10 डेज। उसके बाद फिर आपके पास टाइम होगा
10-12 दिन आप अपने फाइनल पेपर की कैफ के इसकी तैयारी कर सकेंगे। सो देर इज नथिंग टू वरी, और ना ही प्लीज पेरेंट्स को परेशान करें, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक या दो बच्चों के पेरेंट्स ने कुछ कंसर्न शो किया है, तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब हम जिम्मेदार लोग हैं, ये मुकम्मल करेंगे अच्छी तरह से। और अच्छी तरह मुकम्मल ना करना होता तो ये हफ्ता पहले मैं खत्म कर चुका होता सिलेबस। रोज आपको कहता है ये 4 सवाल कर लें, अगले दिन किसने पूछा करना था मेरे से, भला बच्चा पूछता है, नहीं पूछना था। तो वो जो काम मैंने 4 दिनों में किया वो मैंने 1 दिन में कर लेना था, तो मेरे पास तो बड़ा टाइम बच जाना था। सो नथिंग टू वरी एट ऑल। तो चलें जी, इसको हम आज करके मुकम्मल करेंगे। हाँ, और आगे आपके पास अब 4-5 दिन है अपने AFC पेपर की, आराम से तैयारी करें, इसको आज करके फारग कर दें जो आज की प्रैक्टिस होगी। जो ही AFC के पेपर खत्म होंगे हम आपकी क्लास अगले 8-10 दिन करेंगे, उसमें जो बाकी काम रह गया इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। कल तो नहीं क्लास करनी क्योंकि डेट शीट वो कह रहे हैं कि अभी नहीं आई, तो कल क्लास कर लें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि लेकिन यार एनीवेज वो मेरे ख्याल 20 से पेपर शुरू होने हैं और 30 को ख़त्म हो जाने हैं, यही बताया इंस्टीट्यूट ने। 21 को शुरू होने हैं, 21 अगस्त को, नहीं 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 उन्होंने कहा 31 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। इन 10 दिनों में मुकम्मल 11 दिनों में हो जाएंगे, तो देन वी हैव इनफ टाइम 10 डेज फिर होंगे जिसमें हम ये जो बैलेंस रह गया है इसका एक चैप्टर वो कवर करेंगे, और फिर 10 दिन आपके पास होंगे फाइनल पेपर 20 सितंबर 22 23 24, पता नहीं किस दिन अकाउंटिंग का पेपर आता है, तो यू पीपल हैव वेरी मच टाइम उसको मुकम्मल करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कल ना करें, फर्ज करें इनकी 22 को भी डेट आती है, तो दे शुड हैव एटलीस्ट 4-5 डेज फॉर द AFC पेपर बिफोर दैट ना। तो आज जितना काम होगा हम कंक्लूड करेंगे, और मैं बकायदा आपको अभी प्लान मैंने दिया है कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है, क्लोज करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज रहने दें, बाकी हैंड डाउन कर लें। इफ समबडी हैज क्वेश्चन देन कीप योर हैंड रेजिंग, इफ नो क्वेश्चन देन प्लीज लो डाउन योर हैंड। हमाद का हाथ खड़ा है जी अभी तक। जी हमाद बताएं, पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताना था कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, 20 को शुरू हो रहे हैं और 24 को आखिरी है। ओके बस। यस सर। लो जी 20 को शुरू हो गए 24 को आखिरी है। हाँ आ गए कार्ड, तो इसका मतलब है कि 24 के बाद हम फिर इसकी क्लास शुरू कर सकते हैं हमारे, ऐसे है? यस सर। आपके ऐसे हैं या हमारे सभी बच्चों के ऐसे हैं ये अभी मेरा चल रहा है। यस सर ये मैक्सिमम 25 को हो सकते हैं बस, इतने ज्यादा नहीं, 25 से आगे भी कुछ बच्चों। क्यों जी सबको एडमिट कार्ड आ गए, हैंड रेज करें जरा प्लीज। ये तो काम ही बड़ा अच्छा हो गया, अगर 25 को खत्म हो जाते हैं तो फिर तो हमारे पास आगे 25 दिन होंगे। सबको आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नीचे करो नीचे करो नीचे, शाबाश। और नीचे इनके नहीं आए अभी हैं, हाँ? ये उरूज हुसैन से पूछो, कार्ड नहीं आया अभी एडमिट कार्ड उरूज आपका, उरूज हुसैन, उरूज अहमद, उरूज अरशद, कोई बता दे, दोनों उरूज हैं माशाल्लाह, बता दें कार्ड आया आपका एडमिट कार्ड के नहीं अभी, आवाज नहीं आ रही उरूज अहमद की। उरूज हुसैन से पूछो, ये बच्चों ने मेरा देखा नहीं अभी। जी रूज कार्ड आ गया आपका एडमिट कार्ड? नो सर आई हैव टू गिव द एग्जाम्स इन अक्टूबर नॉट इन अगस्त। ओके 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 गुड गुड, ये तो वैसे अक्टूबर अटेम्प्ट में है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। चलें जी बाकी बच्चे भी चेक कर लें एनीवेज, क्योंकि कुछ बच्चों का पेपर 20 तारीख को है, तो मैं अब आज मेरी लास्ट क्लास होगी क्योंकि आगे आप 4-5 दिन इजी होके AFC की तैयारी करें, ठीक है। वो जो नन्हे मुन्ने बच्चों वाले पेपर हैं वो आप तैयार करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला होपफुली हमारे तमाम बच्चों का जो लास्ट एग्जाम है वो 24 या 25 तारीख को होगा, तो अगर 25 को ख़त्म हो जाता है तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट क्लास फ्रॉम 26 अगस्त ना, तो अगले 10 दिनों में मुकम्मल करके फिर आपके पास 2 वीक्स होंगे इसकी रिविजन सीजन के लिए, ठीक है। दैट्स गुड। अच्छा जी आओ जी ज़रा किताब के ऊपर आ जाओ, ज़रा क्या करें इसको। अच्छा जी ये क्वेश्चन हो गया, समझदार बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, पीछे जाएं जरा, ये क्वेश्चन नहीं नहीं इसी पे रहो, ये क्वेश्चन आप लोगों ने फाइफो से किया कल, कार्ड बनाया और वैसे भी वैल्यूएशन कर ली, मैंने आज इसे वेटेड एवरेज से कर दिया,
कार्ड बनाया और वैसे भी वैल्यूएशन कर ली, तो ये दोनों तरह से अटेम्प्ट हो गया। एक बच्चा एक क्वेश्चन चारों तरह से अटेम्प्ट कर ले कि जी वेटेड एवरेज में कार्ड बना के और कार्ड के बगैर, कार्ड परपेचुअल इन्वेंटरी में बनता है और कार्ड के बगैर पीरियोडिक है, और इस तरह फाइफो में कार्ड बना के और कार्ड के बगैर, कार्ड बनता है परपेचुअल इन्वेंटरी में और वैसे होता है पीरियोडिक इन्वेंटरी में, ठीक है, तो उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। तो एक बात का ख्याल रखना है कि फाइफो कॉस्टिंग करते हुए चाहे आप परपेचुअल यानी कार्ड बना के करें या पीरियोडिक कार्ड के बगैर करें, वैल्यू सेम आएगी, और वेटेड एवरेज के अंदर चाहे आप वेटेड एवरेज के अंदर जब आप पीरियोडिक में कॉस्टिंग करते हैं तो वैल्यू और आती है स्टॉक की, जब आप परपेचुअल में करते हैं तो कार्ड बना के करनी पड़ती है और फिर स्टॉक की वैल्यू जो है वो और आती है, जैसे अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया, ठीक है। तो समझदार जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, पीछे हमारा जो एग्जांपल है, चलो जी पीछे ये वाला एग्जांपल जो है, ये इसको हमने क्लास में किया था फाइफो के साथ, ठीक है, और हमने इसमें परपेचुअल में भी कर लिया विद कार्ड, दिस कार्ड इज कॉल्ड बिन कार्ड, मैंने आपको बताया था विद बिन कार्ड, बिन कहते हैं बास्केट को, तो ये एक ऐसी बास्केट है जिसमें स्टॉक मूवमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, और हमने पीरियोडिक में भी कर लिया, पीरियोडिक में भी कर लिया विदाउट कार्ड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्टिंग में, इसमें भी दोनों तरह से कॉस्टिंग होती है, एक होती है पीरियोडिक विदाउट कार्ड और दूसरी होती है परपेचुअल विद कार्ड, ठीक है। हमने क्या क्या काम कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने विदाउट कार्ड ये भी कर लिया इसी क्वेश्चन का। इसमें सिर्फ एक चीज ये रह गई कि वेटेड एवरेज परपेचुअल विद कार्ड कैसे बनाते हैं, उसने इसी को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने घर जाके इस क्वेश्चन को अगर कर लेंगे तो आपका दोनों तरह से अटेम्प्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने दोनों तरह से एक आज मैंने कर दिया, फाइफो आपने घर से कर लिया, तो इसका मतलब है ये दोनों क्वेश्चन दोनों तरह से अटेम्प्ट हो गए, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आगे चलें जी, हाँ बस ये देखें, यहाँ से वो वेटेड एवरेज एक्सप्लेन करना शुरू करता है, फिर ये वो कहता है कि जी पीरियोडिक में ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ये पीरियोडिक की उसने वैल्यूएशन कर दी, आगे चलें, हमने परसों ही कर ली थी, फिर उसने परपेचुअल के अंदर ये कार्ड बना दिया इन्वेंट्री कार्ड वेटेड एवरेज, ठीक है। ये मैंने कहा था कि ये यहाँ पर ये डिविजन शो करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करेंगे ये हम करते रहे, ये जैसे आज मैंने बनाया तो ये आप इस तरह से ये वाली वैल्यू आती जाएगी, ठीक है, ये वो शो कर रहा है तो हम उसको शो नहीं करते, हम ऊपर वाले में से ये माइनस करके नीचे ये ले आते हैं, ठीक है ना, ये वाली फिगर ले आते हैं, तो उधर से माइनस करके ले आए या डायरेक्ट ले आए एक ही बात है, तो ये जरा कॉम्प्लिकेट तो नहीं होता, खैर टाइम टेकिंग हो जाता है, लाइक उधर जो परचेज करेंगे उसमें से ये माइनस करके डायरेक्ट हम ये ले, तो यहाँ पर उसने आपने क्या करना है, आपने इसका वेटेड एवरेज का जो है वो परपेचुअल इन्वेंटरी वैल्यूएशन करनी है, यानी कार्ड बनाना है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी। आगे चलो जी, आगे ये कर लिया हमने दोनों तरह से, रुको जरा ये देखें, अब क्या है जी, क्वालिटी प्रोडक्ट डील्स इन वेरियस गुड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये परचेज सेल, ठीक है, सेल रेट की कोई वैल्यू नहीं है हमारे क्वेश्चन के अंदर, ता वक्त है कि कोई एनआरवी वगैरह की कैलकुलेशन ना करनी हो, ठीक है जी, ओके, इसमें शॉर्टेज भी आ गई है, ठीक है, इसमें क्या है, शॉर्टेज आ गई है, तो लुक हाउ वी विल अटेम्प्ट इट, ठीक है, कहता है ये उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आगे चलें, मेथड भी बताएगा वो, कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ 10,000 यूनिट कॉस्टिंग, दिस कॉस्टिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स 1200 यूनिट फाउंड डैमेज ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, नेटलाइजेबल वैल्यू of damage and the goods are 120, ठीक है जी, QP uses perpetual inventory method to record the inventory, this is the most important line which will decide the fate of the question, how the question will be attempted, ठीक है, the value of closing inventory using weighted average cost and FIFO basis shall be computed as follows, ठीक है,
बहरहाल अब वो क्या कह रहा है भला कि परपेचुअल इन्वेंट्री यूज करना है आपने, ठीक है। तो अब उसने दोनों तरह से कर दिया, परपेचुअल में वेटेड एवरेज से कैसे करना है और फाइफो से कैसे करना है। तो पहले उसने क्या किया है, वेटेड एवरेज से इसको अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो डैमेज शैमेज हुआ है, कुछ परचेजेस रिटर्न हुई हैं, तो ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने की जरूरत है। ये मेरे सामने क्वेश्चन हुआ हुआ है, तो हम क्या करते हैं जी, ये वेटेड एवरेज में हम अटेम्प्ट इसका हो रहा है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इधर उसने बैलेंस लिखा हुआ है, इधर ये आपने पर्टिकुलर्स का कॉलम मैंने नहीं बनाया, आपने बनाना हुआ करे तो बना लिया करें, परचेज सेल लिख दिया करें, ऑटोमेटिक सी बात है, रिसीव्ड जो है वो, बहरहाल इधर एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लें, कोई हर्ज नहीं है, इसे फिजूल बातों में टाइम जरूर जाया करना। तो ये क्या हुआ, ये 10,000 यूनिट थे, इस रेट के साथ थे, ये मेरे पास थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट परचेज हुई है, ये देखें जरा, ठीक है, परचेज हुई है और परचेज हुए हैं 15,000 यूनिट, इनका रेट है 150, ये बने हैं इतने के। अब स्टॉक देखें कितना हो गया, पहले ओपनिंग स्टॉक ये था, अब उसने क्या किया, कहता है यूनिट में यूनिट ऐड करें, दिस प्लस दिस इक्वल टू 25,000, वैल्यू में वैल्यू ऐड करें, ठीक है, ये आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करें, ये रेट आ गया, मेरा स्टॉक ये आ गया, ठीक है जी। पहले ये स्टॉक था वेटेड एवरेज, परपेचुअल इन्वेंटरी वेटेड एवरेज। उसके बाद सेल हुए हैं 18,000, ठीक है। अब ये देखें, अब ये ऐसे अटेम्प्ट किया हुआ है पेपर के, ये पेपर का क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन के सोल्यूशन वैसे अटेम्प्ट किए हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया, यहां तो माइनस नहीं किया हुआ 18,000, और फिर हमें कॉम्प्लेक्स बना दिया सवाल को पीछे सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, 25,000 में से 18,000 माइनस कर दिया, ब्रैकेट शो कर दी, चलो ज्यादा से ज्यादा ही, ठीक है जी, रेट को ब्रैकेट नहीं लगेगी, वो तो रेट है, 25 में से 18, इशू का वैसे भी मतलब है माइनस है, नाम ही ब्रैकेट करें कोई मसला नहीं, ठीक है। 25 में से 18,000 गए, उनकी वैल्यू इस रेट के साथ इतनी बनी, ये रेट बना एवरेज रेट, बाकी क्या बच गया, ये स्टॉक आ गया पीरियोडिक इन्वेंटरी, 7,000 ये वाले, ये यूनिट आ गए, ठीक हो गए जी। फिर कहता है हमने परचेजेस की, अभी तक सवाल बिल्कुल सीधा है, ये परचेजेस की, ये रेट है, ये वैल्यू है, टोटल 7,000 ये थी और 13,000 ये हुई, तो टोटल ये आ गया 20,000, वैल्यू में वैल्यू जमा करके तकसीम किया तो ये रेट निकल आया 156.22 रुपए, ये देखिए। अब क्या हुआ, परचेजेज रिटर्न हुई, ठीक है। अब जब परचेजेज रिटर्न होंगी तो इसमें दो सिचुएशन है, ये बात मेरी तवज्जो से सुनिएगा, मैंने इसलिए इसको खुद सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं फोकस, जब मैं सवाल बंदा करता है तो फिर पूरा सवाल बच्चे का फोकस होता है, इसमें फोकस पॉइंट 2 या 3 है, मैं उनके ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, जैसे हम मैंने पीछे किया, सिर्फ फिगर ही चेंज हुए हैं ना। अब परचेजेज रिटर्न आई, परचेजेज रिटर्न जब होंगी तो दो सूरत हाल हो सकती है, नंबर वन, एक तो वो मेंशन कर दे कि ये फलां दिन वाली परचेजेज रिटर्न थी, फिर आपकी मजबूरी है, आपने परचेजेज रिटर्न उसी रेट से डालनी है। मेरा एवरेज रेट इस वक्त आ रहा है 156.22 रुपए, नोट कर रहे हैं। अब मुझे असूलन ऐसा होना चाहिए कि यार यूनिट चाहे निकले इसमें से, जहां भी गए हों, वापस गए हों, इशू हुए हों, तो उस रेट से होने चाहिए, लेकिन ये 150 पे जा रहे हैं, ये 150 पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसने बता दिया कि ये कौन सी वाली परचेजेज रिटर्न हुई है। क्वेश्चन पे जाएं जरा, ये देखें, उसने बता दिया परचेजेज रिटर्न हुई है 150 रुपए वाले रेट की, ठीक है। अगर ये रेट ना दिया हुआ होता, या वो डेट बता देगा कि पर 1000 यूनिट परचेज ऑन लाइक 6 जनवरी वाज रिटर्न, तो फिर भी मुझे रेट का पता चल जाना था कि 6 जनवरी का रेट 150 है, वो रेट बता दे तब भी मुझे रेट का पता चल जाना था। रेट का पता तब नहीं चलना था जब वो वैसे लिख देता कि 1000 यूनिट वार रिटर्न ऑन 18 जनवरी, फिर ये नहीं पता कि ये कौन से दिन वाले हैं। आगे क्वेश्चन पेपर में कभी एक दफा ऐसे भी आया हुआ है कि उसने रिटर्न की डेट ही नहीं बताई या रेट ही नहीं बताया, तो फिर मैंने क्या करना है, आई हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू बुक द रिटर्न ऑन द डेट, ऑन द रेट विच इज प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ रिटर्न। हम क्या कर सकते हैं,
ठीक है, हमें कोई, देखिए दो चीजें हैं अल्टीमेटली, उसके अंदर दो ऑप्शन हो कि जब, देखिए दो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि आपको डेट बता दे तो भी रेट उस डेट के साथ रिटर्न डाल दें, जैसे उसने यहाँ डेट नहीं बताई लेकिन रेट ही बता दिया, नंबर टू वो रेट बता दे तो भी उसके साथ रिटर्न डाल दें, ठीक है। अब जब ये दोनों बातें नहीं बताई होंगी तो मेरे पास दो ऑप्शन है, फिर भी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है, मैं एवरेज स्टॉक का जो रेट है उसके साथ रिटर्न डाल दूं, उसके साथ रिटर्न डालूंगा तो एक प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जितने का मैंने परचेज किया हुआ है वो और रेट है और जितने पे मैं परचेज रिटर्न डाल रहा हूं वो और रेट बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे बहरहाल किसी ना किसी परचेज वाले रेट से ही परचेज रिटर्न बुक करनी, किसी ना किसी, तो वो सबसे अप्रोप्रिएट रेट कौन सा होगा, वो अप्रोप्रिएट रेट लास्ट परचेज वाला होगा। कहने का मतलब ये हुआ, पहले मैंने आपको ये बताया कि उसमें वेटेड एवरेज वाले रेट पे परचेज रिटर्न बुक करने से प्रॉब्लम क्या आएगी कि मैंने वो पेबल परचेज किया होगा 156 के हिसाब से, आज मेरा वेटेड एवरेज रेट बन रहा है 157, तो मैं परचेज पेबल अकाउंट में 156 के हिसाब से एंट्री हुई हुई है, और इधर मैं क्या करूंगा, इधर जब मैं 157 के साथ उसकी रिटर्न डालूंगा तो वो पेबल अकाउंट मेरा नील नहीं होगा। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगी, वो क्या कि मैं जब रेट आइडेंटिफाई ना हो परचेज रिटर्न का, चाहे वो डेट के जरिए हो जाए चाहे वो रेट के जरिए हो जाए, वो ना हो तो मैं ये जो परचेज रिटर्न है, ये जो इमीडिएट परचेज है उसको रिटर्न अज्यूम करूंगा, वो अजम्पशन होगी। कैश परचेजेस भी तो हो सकती है, समझ लगी, तो ये पेबल वाली जो, लेकिन अब इनको उस उलझन में नहीं डालते ना। तो क्या करना है, ऑप्शन ए की है, वो क्या, जो इमीडिएट परचेज है, लाइक आप इसको यूं समझ लें कि अगर ये ना बताया जाता, ना इसकी डेट बताई जाती, तो फिर मैंने क्या करना था, मैंने ये परचेज रिटर्न 160 वाले यूनिट कर दिया, अंडरस्टैंड, वेटेड एवरेज वाला नहीं करना, क्यों नहीं करना, वो मैंने आपको उसकी रीजन बता दी। वो कर भी सकते हैं लेकिन वो अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोल्यूशन पे जाएं, देखें इसमें चूंकि रेट दिया हुआ है लिहाजा उसने परचेज रिटर्न 1000 यूनिट ये वाले बुक कर दिए, और ये बाकी यूनिट क्या बच गए, बाकी यूनिट 19000 बचे, ठीक है। अब उसका रेट चेंज हो गया, 156.55 हो गया, ऊपर था 156.22, क्यों चेंज हुआ कि अगर तो ये 156.22 से निकलते तो स्टॉक का रेट सेम रहता, उतने यूनिट थे उसी रेट के साथ निकले, लेकिन ये 156.22 का स्टॉक था, निकला ये 150 के हिसाब से, क्योंकि उसने बता दिया ये 150 वाले रिटर्न हुए, ठीक है, लिहाजा ये रेट मेरा चेंज हो गया और मेरा स्टॉक ये आ गया, गॉट इट। उसके बाद फिर सेल हुए यूनिट, कोई मसला नहीं है, 12000 ये हुए, ये गए, पीछे के बचे 7000 उसी रेट वाले, ये मेरा स्टॉक आ गया। फिर क्या हुआ जी, फिर ड्राइंग हुई, ड्राइंग हुई, अब ड्राइंग भी अवेलेबल स्टॉक में से करेंगे, तो ड्राइंग के लिए भी जो हमारे पास स्टॉक, ड्राइंग को भी ऐसे ही कंसिडर करना है जैसे सेल हुए, ठीक है, यानी जो अवेलेबल यूनिट है, रेट है, रेट वाले यूनिट है, वही ड्राइंग कर देनी है। 2000 ड्राइंग वो जाती इस्तेमाल के लिए ले गया, ये भी इश्यू में ही आएंगे, ठीक है। तो 156 ये वाला रेट है, बाकी यूनिट कितने बच गए, बाकी यूनिट ये बच गए। फाइफो में ऐसे नहीं होना, फाइफो में इधर स्टॉक की कैटेगरीज आनी है, 2-3 तरह का स्टॉक होना है, ठीक है, उसमें से फिर हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है हर मामले में, वो भी जाते हैं उधर अभी। फिर हमने परचेज किए 10000 यूनिट, 5 ये और 10 ये, टोटल 14 हो गए। फिर ये वाली वैल्यू जमा करके ये आ गई, इसको इससे डिवाइड किया तो ये वाला रेट आ गया, स्टॉक मेरा इतना हो गया, ठीक है। अब कहता है जब आपने 31 जनवरी को स्टॉक टिक किया, ठीक है, तो उस दिन 14800 यूनिट शॉर्ट हो गए। अब जब यूनिट शॉर्ट होंगे तो जो उस दिन का स्टॉक अवेलेबल है, शॉर्टेज उसका ट्रीटमेंट भी वही करना है जो सेल का करना है, जो ड्राइंग का करना है, ठीक है। ये देखें, इशू वाले कॉलम में सेल निकाली, इशू वाले कॉलम में ड्राइंग निकाली, इशू वाली कॉलम में शॉर्टेज निकाल दी, इसी रेट के साथ इतना शॉर्टेज हो गया, ये नॉर्म अब नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बस जी खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे है नहीं जी, आगे आगे और चीज शुरू होगी, पीछे जाएं। अब ये मेरे पास स्टॉक की वैल्यू आ गई, मेरे पास 14,000 यूनिट हैं, 145,051 वाले, वो 20,66,312 के हैं, इतना मेरा स्टॉक आ गया। अब इसके अंदर वो एक कहानी सुना रहा है, ऊपर देखें जरा, कहानी क्या सुना रहा है, वो कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स 1200 यूनिट फाउंड डैमेज्ड ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग। अब ये स्टॉक जो है ना 14,200 का, मुझे शीट चाहिए जी, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 14,200 यूनिट्स, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक हो गए डैमेज यूनिट्स और दूसरे हो गए गुड यूनिट्स। डैमेज यूनिट कितने हैं 1200 और गुड यूनिट कितने हैं 13,000, ऐसे ही हुए 13,000 जमा 1200 14,200, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है स्टॉक की वैल्यूएशन करें, अगला स्टेप पूछ रहा है, जब मैं वैल्यूएशन करूंगा और स्टॉक दो तरह का होगा तो मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। वो पीछे जो उसने गलती की हुई है, याद है उसने सारे को इकट्ठा ही वैल्यू और इकट्ठी एनआरवी निकाल दी, ठीक है। अब वहां कुछ और किया हुआ है और ये सही ट्रीटमेंट किया हुआ है किताब के अंदर भी और यहां हम भी करने लगे कि हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। वहां याद है मैंने कटवा दिया था क्वेश्चन, जहां उसने सारे 14,000 यूनिट की एनआरवी निकाली है इकट्ठी और इकट्ठी उनकी सेल वैल्यू उसका कंपेयर, ऐसे नहीं करना, इसके दो काम करने हैं, इसकी एक एनआरवी निकालनी है और एक इसकी कॉस्ट है। इसी तरह इसके भी दो काम हैं, इसकी एनआरवी निकालनी है और एक इसकी कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट हमें पता है, क्यों जी कॉस्ट कितनी है 1200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय जो एवरेज रेट आया हुआ है, एवरेज रेट पीछे कार्ड पे निकालो ना जरा, कार्ड निकालो शाबाश, ये देखें ये मेरे पास इस वैल्यू इस कॉस्ट के स्टॉक हैं 145,051, ये 14,200 की कॉस्ट तो यही है ना, चलो 145,051 करते हैं अभी, चलो ये देखें इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 145,051 174,612, इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 145,051, ये कितनी निकली 1,891,630। अब क्या करें, अब इनकी एनआरवी निकाल लें, ठीक है। इसकी एनआरवी बताएं, अब फार्मूला उसने क्या बताया हुआ, वो लिखता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द डैमेज एंड द गुड यूनिट्स आर 120 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। इनकी 120 है और इनकी 200 है और कोई कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, अगर होती तो वो माइनस हो जाती। तो लिहाजा इनकी एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगी, ये देखिएगा 1200 मल्टीप्लाइड बाय 120 तो ये कितनी आ गई 144 ये आ गया, ओके ठीक है। और इधर इधर इनकी 13,000 इंटू 200 ये कितनी आ गई जी 100 इन दोनों में से जो लोअर होगी वो कौन सी है, वो यही है 18,91,630। और इन दोनों में से लोअर क्या है, इन दोनों में से ये है
144,000, ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी आ गई, इन दोनों को जमा कर लें, 144 और 18,91,630 कितनी आई जी, 35,000 630, 20,35,630, दिस इज द स्टॉक वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किया ये है, हमने ये देखें, ओके, हमने जो टोटल स्टॉक आया उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, सम गुड्स आर डैमेज, सम आर गुड यूनिट, ये तीन में भी डिवाइड हो सकते थे। वो कहता है डैमेज आगे दो तरह के हैं, कुछ की एनआरवी ये है, कुछ ज्यादा डैमेज हुए, कुछ कम डैमेज हुए, तो हम डैमेज को आगे तीन क्वालिटीज कर लेते, ठीक है, डैमेज वन, डैमेज टू, गुड यूनिट। डैमेज वन, कॉस्ट तो सबकी एक जितनी आई, ये देखें इसकी कॉस्ट भी 145.51 है, इस भी 145, फर्क किस चीज ने डालना है, उनकी एनआरवी ने डालना है, इसकी एनआरवी 120 है उसकी, तो हमने डैमेज की एनआरवी लेदा कैलकुलेट की, कॉस्ट लोअर जो थी वो वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गई, वो ये बन गई। इसी तरह इनकी भी एनआरवी और कॉस्ट कैलकुलेट की, ठीक है, लोअर जो थी वो क्या थी, वो इनकी कॉस्ट थी, वो इधर लिख ली, इन दोनों को जमा किया, ये आ गया। अगर वो पूछे राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री कितना किया है, तो क्या करेंगे, इसमें तो कोई राइट डाउन नहीं है, इसके अंदर कितना राइट डाउन किया, 174,612 और 144 का जो डिफरेंस है वो राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। ऐसे चीज को आप भी अटेम्प्ट करें, समझाने वाला भी समझाए कि बंदे को पता चले कि हाँ यार जैसे शेर व शायरी हो रही है, अकाउंटिंग नहीं हो रही। क्यों जी, क्लियर हुई है ये बात, हैंड रेज करके बताएं, शाबाश मुझे। चलें जी, गुड हो गया, आगे चलें जी, जरा हम इसको देखें, अब कंक्लूजन की तरफ चलें। अच्छा, ये सवाल हो गया जी हमारा, अब ये किस चीज से हुआ, वेटेड एवरेज से हुआ। अब अगर इसको फाइफो में हमें अटेम्प्ट करना होता, तो चलें जरा पहले हम स्टॉक निकालते हैं फाइफो का, जैसे ये पहले निकाला था, लोअर कर दो जी सारे हैंड्स, ये देखें फाइफो में करना होता तो उसने कार्ड नहीं बनाया, क्योंकि कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में वेटेड एवरेज के अंदर कार्ड की जरूरत कंपलसरी है, लेकिन फाइफो के अंदर कॉस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट उसमें भी आपने देखा आखिरी वाले ही बचने। तो मेरे पास यूनिट कितने बचे, मेरे पास आप परचेज डाटा निकालें जरा, मेरे पास 10,000 यूनिट ये वाले बचे हैं, 14,200 है ना टोटल, ठीक है, और फिर मेरे पास ये यूनिट बचे हैं 4,200, 10,000 ये बचे, ऐसे ज्यूम करना है, तो ये कितने हो गए 14,200, ठीक है, निकालो जी जरा, ये आगे 10,000 मेरे पास आए, 140 वाले उनकी कॉस्ट है, उनकी एनआरवी कितनी है 200, ये वो मैंने ऐसे करके बना दिया, उसने टेबल बना दिया, बात कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, उसने कहा भाई ये 13,000 ये गुड यूनिट है और ये 2,000 ये डैमेज यूनिट है, अंडरस्टैंड, ये क्या है गुड यूनिट और ये क्या है डैमेज यूनिट, उसने लिखा भी हुआ है ये गुड यूनिट है, ठीक है। इनकी कॉस्ट 140 है क्योंकि ये आखिरी वाली परचेज है, और इनकी कॉस्ट 160 है क्योंकि ये उससे पहले वाली परचेज है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसकी एनआरवी, इनकी तो 200-200 ही है, लिहाजा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट ये है
एनआरवी ये है, तो इनकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही होगी, इसकी भी और इसकी भी। इस पे आ जाएं, इसकी कॉस्ट ये है, इसकी एनआरवी ये है, इसकी एन वैल्यूएशन एनआरवी पे होगी, ठीक है। तो टोटल मेरे पास जो स्टॉक की वैल्यू आ गई 14,200 यूनिट की, वो कितनी आ गई, 20 लाख, ये लिखा हुआ है, ये टोटल यूनिट हो गए, और इनकी वैल्यू ये आ गई 20,24,000। इसने क्या किया हुआ है, ये इनिशियल 14,200 क्यों लिखा हुआ है, ये हमारा टैली हो गया, ये चेक करो हमने जो सोल्यूशन किया, चेक करो ना, 20,35,630 ही आता है हमारी जो वैल्यूएशन थी, चेक कर लो, हाँ 20,35,630, ये तो हमारी गुड हो गया। अब उस पे चलें जरा, ये चेक करें जी, ये 10,000 यूनिट 140 के हिसाब से कितने बनते हैं, 14 लाख ही बनते हैं, ये 3,000 यूनिट 160 के हिसाब से ये कितने बनते हैं, 80 ही बनते हैं, और ये 1,200 यूनिट 120 के हिसाब से कितने बनते हैं, इन तीनों को जमा कर लो, ये आपकी स्टॉक की वैल्यू है, वो कितनी में, ये वाली, ये वाली, ये क्रॉस कर दें, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ नीचे हैं, ये उसकी कॉस्ट तो नहीं लिखी हुई, हाँ कॉस्ट टोटल लिखी हुई है, ऐसे ही है, इसको मल्टीपल 1200 मल्टीपल बाय 160 करो ना, कितना बनता है, करो इनटू 160 प्लस 480 प्लस 14 लाख, हमारा ख्याल था शायद ये इनकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, कॉस्ट कैसे बनेगी, करो जरा एक दफा फिर चेक कर लो, 10,000 14 लाख एक हो गया, और 4,200 मल्टीप्लाइड बाय 160, 4,200 मल्टीप्लाइड बाय 160 वो भी नहीं बनती, ठीक है, ये कोई ऐसे कोई टाइपिंग एरर है, इसको खत्म कर दें, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है जी। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक, और राइट डाउन अगर पूछे कितना है तो क्या करें, इन सब की कॉस्ट निकाल लें, सबकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, 13,000 की कॉस्ट निकलेगी, सॉरी 10,000 की कॉस्ट निकलेगी 140 के हिसाब से, और 12,200 की कॉस्ट निकलेगी 160 के हिसाब से, वो कितनी बनती है, सारी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, 20 लाख, सारी कर लें या सिर्फ इसका देख लें, ये तो ऑलरेडी कॉस्ट, इनमें कोई राइट डाउन नहीं है, नो राइट डाउन, ठीक है, इसमें भी राइट डाउन नहीं है, इसमें भी राइट डाउन, इसमें राइट डाउन है, कितने का, 160 और 120, 40 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1200, 48,000 का इसमें राइट डाउन है, ठीक हो गया। कैसे राइट डाउन निकाला, कि ये जो 10,000 यूनिट है ये तो ऑलरेडी अपनी कॉस्ट के ऊपर ही दिए हुए हैं, और कॉस्ट ही लोअर है, कोई राइट डाउन नहीं है, कॉस्ट से कम हो एनआरवी तो फिर राइट डाउन होता है, इनकी भी एनआरवी ज्यादा है, यहां भी राइट डाउन नहीं, इनकी कॉस्ट ज्यादा है और एनआरवी कम है, यही राइट डाउन है, कितना पर यूनिट, 160 120 40, टोटल यूनिट कितने, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40 48,000, ठीक है जी। ये बात भी समझ लग गई कि हमने फाइफो से भी इसको अटेम्प्ट कर लिया, और हमने वेटेड एवरेज में इसको, यानी पीछे जाएं जरा, हमारा सिस्टम क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वेटेड एवरेज के साथ भी अटेम्प्ट हो गया और फाइफो में भी अटेम्प्ट हो गया। फाइफो में कार्ड इसलिए नहीं बनाया कि जो हमारा स्टॉक आखिरी वाला होता है वही बचा हुआ होता है, चाहे हम कार्ड बना के वो निकाल लें, चाहे हम कार्ड के बगैर निकाल लें, तो वो कार्ड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे चलो, कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, टोटल यूनिट कितने हमारे बचे, 14,200, कैसे, परचेज में से सेल निकाल दिए, ड्राइंग निकाल दिए, डैमेज निकाल, और वो जो शॉर्ट हो गए वो निकाल दिए, बाकी 14,200 बचे। अब परचेज का शेड्यूल देखा, उसमें से लेटेस्ट परचेजेस होंगी, ये लेटेस्ट परचेजेस 10,000 हैं, लिहाजा वो हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं, उससे ऊपर चले जाएंगे तो हमारी परचेजेस जो 13,000 हैं उनमें से 4,200 ये हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं,
तो इनकी कॉस्ट 140 है, इनकी दोनों की कॉस्ट 160-160 है, क्योंकि एक ही लॉट में से ये बचे हुए हैं, तो इनकी एनआरवी इतनी इतनी है, ये जो डैमेज हो गए इनकी एनआरवी इतनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी निकाल के फॉर्मूला लग गया। क्यों जी, क्लियर होगी ये वाली बात? हैंड रेज करें जरा, शाबाश बताएं। बिल्कुल, इसको आज आप लोगों ने अटेम्प्ट करके फिर अपना इसको छोड़ना है आगे 4-5 दिनों के लिए, ठीक है, वरना ये भूल जाएगा ना। आगे देखो बाकी बच्चों को, ये बिलाल से पूछो जरा, बिलाल समझ आ गई भाई? बिलाल अपना माइक ऑन करें और बताएं समझ आ गई आपको, हैंड रेज किया हुआ है आपने। बिलाल नहीं सुन रहा हमारी बात है। उम्मे हबीबा से पूछें जी, ये नीचे यहाँ जी, उम्मे हबीबा आपको समझ आ गई है? जी सर समझ आ गई है। वेरी गुड। रूज अरशद से पूछें जी, नीचे जाएं, कहीं ऐसे तो नहीं हाथ खड़े किए हुए इन्होंने जी। अरूज, यस सर आ गई समझ। ओके गुड। फजील से पूछें जी, उसके बाद सफियान से पूछें। यस सर समझ आ गई। ओके सफियान से पूछें, उसी वही था यार ये। समझ लग गई है? चलो आपके माइक की आवाज नहीं क्लियर आ रही, चलो गुड है, ये प्रैक्टिस करनी है सारे दोनों तरह से जो सवाल मैंने बताए हैं दो पीछे, ठीक है जी। ओके जी, अब आप अब हम इसको कंक्लूड करें जी, देखें अब हमें क्या करना है आगे। चलो जी, जरा इन क्वेश्चन को आपने दोबारा घर पे अटेम्प्ट करना है, कार्ड बना के भी, वो जो वेटेड एवरेज में, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंटरी है ना, तो कार्ड बनाना जरूरी हो गया वेटेड एवरेज में, क्योंकि वो हमें आखिरी रेट वाले एवरेज रेट वाले वो यूनिट उसकी कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। और परपेचुअल में जिस दिन ड्राइंग हुई है उस दिन का रेट लगना है, ठीक है। अगर ये पीरियोडिक होता तो क्या करते, अगर ये पीरियोडिक होता तो क्या करते, तो अल्टीमेटली मुझे साल के आखिर में ही सारा कुछ करना पड़ता, ठीक है। तो फिर मैं वेटेड एवरेज रेट साल का निकालता, उसी के साथ ड्राइंग करता, उसी के साथ वो जो थी क्या कहते हैं उसको शॉर्टेज वो निकालता, और फिर उस रेट के साथ जो है वो मैं इसका कंपैरिजन करता। और पीरियोडिक में फाइफो कॉस्टिंग में यही रहना था, ये चेंज नहीं होना था, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड जाके मैंने यूनिट जो थे वो निकालने थे, तो वो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले यूनिट निकल जाने थे, तो अल्टीमेटली उस हिसाब से हमें लेके चलना था। पर हाँ क्या है, ये वो कैलकुलेशन उसने ये वाली जो की हुई है ना, ये भी जरा देख लें, वो थोड़ा सा इसका क्लू मिल गया है। वो ये है कि अब ये जो डैमेज यूनिट हुए हैं ना, तो इसका उसने बताया नहीं हुआ कि ये इन यूनिट में से हुए हैं या इन यूनिट में से, इन दोनों में से कोई है, क्योंकि स्टॉक में अज्यूम हो रहा है यही है। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि डैमेज यूनिट ये सेकंड लास्ट परचेज के हैं, तो फिर तो ये आ जाती है उसकी अपना एनआरवी, ठीक है। और अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये जो डैमेज यूनिट है ये लास्ट वाली परचेज से हैं, तो फिर उनकी एनआरवी ये आ जाती है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी डैमेज यूनिट जो है वो, मतलब हमारा ऑप्शन अजम्पशन ये होती है कि स्टॉक में लास्ट वाले हैं, तो वो जो 10,000 वाले हैं वो डैमेज नहीं हुए, आखिरी जो परचेज है उससे पिछली वाली में डैमेज हुए हैं, तो फिर एनआरवी ये है। और अगर हम ये ज्यूम कर लें कि ये सेकंड लास्ट लॉट से डैमेज नहीं हुए, लास्ट वाली लॉट से डैमेज हुए हैं, तो फिर उनकी कॉस्ट यहाँ पर 140 आएगी, ठीक है। फिर ये वैल्यूएशन भी चेंज हो जाएगी। फिर ये जो हम कहेंगे कि जी आखिरी जो 10,000 हैं उनमें से 1,200 लॉस हो गए हैं और बाकी गुड यूनिट हैं, और उससे पिछली वाली में जितने वो हैं वो सारे के सारे गुड यूनिट हैं, तो फिर उसकी ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, और एनआरवी भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी ये जरा देख लेते हैं एक मिनट के लिए। अगर हम ये ज्यूम कर, अभी ये ज्यूम हुआ है कि सेकेंड लास्ट लॉट में से डैमेज हुए हैं यूनिट,
अगर ये ज्यूम कर लिया जाए कि सेकंड लास्ट लॉट में से डैमेज नहीं हुए, लास्ट लॉट में से डैमेज हुए हैं, तो फिर ये जो 29 जनवरी वाली परचेज है 140 के हिसाब से, ये सारे के सारे डैमेज है, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली उनकी एनआरवी, उनकी कॉस्ट कितनी बन रही है, उनकी कॉस्ट ये है और उनकी एनआरवी बन रही है 120, तो पर यूनिट 20 रुपए का लॉस होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट हैं वो जो डैमेज हुए, 400 1200 1200, तो उनकी ये वाली वैल्यूएशन आएगी कितनी बनी, 24,000 जी, ये लॉस आ गया, ये राइट डाउन आ गया, उनका राइट डाउन इतना आ गया। और उनकी वैल्यू कितनी बनेगी, उनकी वैल्यू बनेगी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 120, ये उनकी वैल्यू बन जाएगी। जरा शीट निकाल दो यार, वहां जरा क्लियर करके कर देते हैं इनको, ऊपर कर दो इसको। चलो ये देखें, मेरे पास यूनिट्स इन स्टॉक कितने हैं, 14,200, इसमें डैमेज्ड कितने हैं 1200 और गुड यूनिट कितने हैं 13,000, ठीक है जी, ये हैं। अब ऑप्शन वन जो इसने सॉल्व की हुई है, इसने तो खैर वो आखिर में बोंगी मार दी, पूरी कैलकुलेशन करके बताता, उसकी भी टेबल लदा बनाता बच्चे के लिए तो फिर बेहतर था। तो 10,000 यूनिट जो हैं वो तो अपनी कॉस्ट पे ही शो होंगे, क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इनमें से डैमेज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वन, नॉट डैमेज्ड फ्रॉम लास्ट परचेजेस, ठीक है जी, इसका मतलब है उससे पहले वाली परचेजेस में से डैमेज हुए हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी इनकी इनकी कॉस्ट कितनी है 140, तो ये 14 लाख, और इनकी एनआरवी कितनी है, ये इसकी कॉस्ट होगी, और इसकी एनआरवी कितनी है, ये हो जाएगी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये होगी 2 लाख। तो वैल्यूएशन किस पे शो होनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, 14 लाख, ठीक है। और जो ये गुड यूनिट्स थे और जो डैमेज यूनिट्स हैं उन 1200, हाँ बल्कि अभी और गुड यूनिट भी तो पड़े हैं, गुड यूनिट्स 3000 और हैं जो के 160 वाली लॉट में से हैं, उनका वैल्यू कितनी बनी, 4,80,000, ये उनकी कॉस्ट है। और उनकी एनआरवी कितनी है, 200 ही है, 6 लाख, ठीक है, ये एनआरवी है। लोअर क्या है, 4,80,000, ये वो ऑप्शन है जो उसने सॉल्व की हुई है, ठीक है। अब आगे डैमेज यूनिट्स, वो 1200, अब वो हम सेकंड लास्ट लॉट परचेज में से ज्यूम कर रहे हैं, तो रेट उनका 160 होगा और उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,92,000, ये उनकी कॉस्ट है। और उनकी एनआरवी कितनी हो जाएगी, 1200 × 120, 1,44,000, ये उनकी एनआरवी है। और इनमें से लोअर क्या हो जाएगी, 1,44,000, तो ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी जो उसने निकाली हुई है, 20,24,000, ठीक है। अब ऑप्शन टू क्या है, ऊपर करें इसे, ये आगे जी हमारी ऑप्शन टू, व्हेन डैमेज्ड फ्रॉम लास्ट परचेजेस, ये लिखा हुआ है नॉट डैमेज फ्रॉम लास्ट परचेज, ये है डैमेज फ्रॉम लास्ट परचेजेस, ये तो फिर क्या होगा, 10,000 में से 1200 डैमेज हो गए, ये डैमेज यूनिट है,
और बाकी 8,800 ये गुड यूनिट है, ठीक है जी। और इसकी कॉस्ट कितनी है, 140 सॉरी, ठीक है। और ये कितने बने, इसकी वैल्यू कितनी बनी, कितनी बनी है, 1,00,000। एक लाख 68,000 ये है इनकी कॉस्ट। और इसी तरह 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 120 144,000 ये इनकी बन गई NRV। तो लोअर क्या है, 144,000। अब स्टॉक की वैल्यूएशन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गुड यूनिट शुरू हो गए, गुड यूनिट 8,800 इस आखिरी वाली परचेज में से गुड बचे, जिनकी कॉस्ट 140 के हिसाब से कितनी बनती है, 12,32,000 ये इनकी कॉस्ट है, ठीक है। और इनकी NRV कितनी बनती है, इंटू 200 17,60,000 गुड यूनिट है ना NRV। तो इन दोनों में से 12,32,000 ये स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब बाकी कितने यूनिट बचे, 10,000 पूरे हो गए हमारे हैं, 14,242 हो। अब देखें इससे पिछली परचेज कौन सी है, एक ही परचेज है ना जिसमें से 4,200 निकल आएंगे, क्वेश्चन निकालो। ये पूरे हो गए, इसमें से कुछ डैमेजेस यूम हो गए दूसरी ऑप्शन में और कुछ गुड हो गए। उसके बाद परचेज ये वाली है, इसमें से 4,200 बचे हैं 160 वाले, वो गुड यूनिट हैं सारे के सारे। चलो जी ये भी गुड यूनिट हैं, गुड यूनिट्स 4,200 × 160 ये इनकी कॉस्ट है कितनी, 6,72,000 ये इनकी कॉस्ट है। और 4,200 × 200 ये इनकी NRV है, गुड यूनिट जो ज्यूम हो गए, ये 8,40,000 ये इनकी NRV है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV क्या हुआ, 6,72,000। अब इसको जमा करें तीनों को, तो ऑप्शन टू अगर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर स्टॉक की वैल्यू ये आएगी, 20,00,000। इसके पीछे ये इतनी बड़ी स्टोरी थी जो उसने वहां सिंपल फिगर लिख दी है, ठीक है। कम से कम कोई नीचे हिंट ही लिख देता, ये वाले जो ये 20,48,000 लिख दी उसने, इसके पीछे ये स्टोरी थी कि उसने ये ज्यूम किया, पहली दफा उसने ये ज्यूम किया कि डैमेज यूनिट जो है वो सेकेंड लॉस्ट परचेजेस में से है। दूसरी दफा उसने ये ज्यूम किया, जो कि सॉल्व नहीं उसने किया, सिर्फ आंसर लिख दिया कि डैमेज यूनिट लास्ट परचेज में से। क्यों जी, अब क्लियर हुआ होगा, क्लियर है जी, पूछें जी बच्चों से, फिर इनको अल्लाह हाफिज कहें, कोई मसला नहीं, गुड, ठीक है, क्लोज करो जी जरा। हाँ देखें, ये जब ये ऑप्शन तब होंगी जब आप फाइफो कॉस्टिंग कर रहे हैं, वेटेड एवरेज में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में तो दोनों में एवरेज कॉस्ट ही होगी उसकी। जो स्टॉक है वो दो तरह का नहीं होता, वो स्टॉक एक ही रेट वाला होता है, अंडरस्टैंड कर गए बात को, जो आखिरी दिन का रेट है। तो लिहाजा वहां ये दो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वहां पर जो भी डैमेज है वो एक रेट वाले हैं, गुड जो है वो भी उसी में से हैं और जो डैमेज है वो भी उसी में से, और वो एवरेज रेट है, इसलिए वहां ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फाइफो कॉस्टिंग के तहत ये दोनों ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। आगे चलो जी जरा, बिल्कुल जी सेम क्वेश्चन है, आप लोगों ने घर से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ये आपका लास्ट होमवर्क है। क्वेश्चन आज जो आज मैंने प्रैक्टिस करवाई है वो कीजिएगा, और इस क्वेश्चन को घर से अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें भी इसमें ये सेल रिटर्न है, परचेजिंग रिटर्न नहीं है, ठीक है। और कुछ शॉर्टेज है और कुछ ड्राइंग्स हैं, जो कि कहते हैं परचेजिंग रिटर्न वार 100 यूनिट ऑफ परचेजेज ऑफ 9 जनवरी, ये देखें डेट दे दी, परचेजिंग रिटर्न लहदा नीचे से दी हुई है, इधर शेड्यूल में नहीं दी,
यानी दी हुई है, शॉर्टेज भी दी है, ड्राइंग भी दी है, परचेज रिटर्न भी दी है, ये तीनों चीजें तो वही है जो हम पीछे करके आए। एक एडिशनल चीज क्या है, सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न क्या है कि हमने 100 यूनिट रिटर्न हुए हैं, रेट कौन से वाले हैं, ये यार रेट क्या लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है जी। इससे आगे चलो क्या है, देखता हूँ और आगे और आगे और आगे और आगे चलो। ये तो हमने पढ़ लिया कि एंट्री की परचेजेस एंट्रीज क्या हैं, ये सब एंट्रीज हमने पढ़ ली। चलो आगे चलो और आगे, ये सब एंट्रीज आ गई, ठीक है, ये हमने ये भी कर ली हुई है। आगे चलो, चैप्टर फिनिश हो गया ना, और उसी का आंसर है आगे। ये एंट्रीज के क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं, बताता हूँ जी इसको। आगे चलो क्या करना है, पीछे जाओ, क्वेश्चन पे चले जाओ। ये 5 रुपीज का रेट क्या दिया हुआ है, ये 5000 लग रहा है मुझे, हैं? अच्छा जी बस एक मिनट ठहरे, ये क्वेश्चन जो है ना जी, ये हम जब क्लास रिज्यूम करेंगे तो हम इसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको किसी परेशानी के साथ अगले 5-4 दिन में नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो सेल रेट का मुझे कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है, वो मुझे चेक करना होगा, तो इसलिए मैं कोई ऐसा आपको नहीं दे सकता क्वेश्चन जिसमें कोई फड्डा है। तो यहाँ तक अब हम मुकम्मल हो गए हैं, मेरी जो जब हम क्लासेस रिज्यूम करेंगे, मुझे हौसला हो गया, अगर बच्चे ने बताया कि 25 को पेपर खत्म हो रहे हैं, अल्लाह करे सबके 25 को हो रहे हों, तो देन वी हैव एम्पल टाइम फॉर दैट वन चैप्टर, और ये जो है सारा, ठीक है, क्योंकि आगे जो फाइनल अकाउंट है उसे मैं एक चैप्टर ही गिनता हूँ, रेक्टिफिकेशन और जो पार्टनरशिप का छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो एक ही चैप्टर है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन से रिज्यूम करूंगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आगे एक दो एंट्रीज वाले क्वेश्चन है वो भी उसी दिन कंक्लूड करेंगे और हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। सो योर होमवर्क इज अप टिल प्रीवियस क्वेश्चन जो आज मैंने किया है, आपने उसे ही खुद से घर से अटेम्प्ट करना है, ये आगे मैं ये सिलसिला जोड़ूंगा ताकि हमारी ये जो गैप आएगा वो भी कवर हो जाएगा, एक दफा रिविजन हो जाएगी और फिर आगे जो एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन है हम उनको मैनेज कर सकेंगे। ये बच्चा पूछ रहा है जी क्या कह रहा है जी, ज़ुहैब नवाज सर प्लीज आज वाला लेक्चर अपलोड करवा दें। जी करवा देते हैं, आज वाला लेक्चर भी अपलोड कर देना यार, ठीक है। लो थैंक यू सर। अब आपने इन गुड फेथ किससे कंक्लूड करें, मतलब मेरे हाथ में है सिलेबस, मेरे सारी जिंदगी की रियाजत है, मतलब ऐसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता मेरी यदि मेरी मेरा एक एक लेक्चर गिना हुआ है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली शुरू में ये बताया गया था कि ये जो AFC के पेपर हैं ये 1 सितंबर से शुरू होने हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास था टाइम के हम सॉरी मतलब 25 अगस्त तक हम इसे कंक्लूड कर देते, लेकिन अब उन्होंने एक स्कीम चेंज की है, तो जाहिर है हमारे लेक्चर जो हैं कुछ ये ऑनलाइन की वजह से कुछ वो एफिशिएंसी के अंदर कोई 5-7% का डिफरेंस तो आता ही है पढ़ाने में और पढ़ने के अंदर भी इवन। तो ये इन गुड फेथ आप इसे कंक्लूड करें, यहाँ तक क्लोज कर लें, अगली जो चीज़ें हैं वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह, पेपर से पहले पहले बहुत पप्पू किस्म की तैयारी हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे तरीके से मेहनत करके पेपर दीजिएगा, ठीक है, आपके वो पेपर पास होने बहुत ज़रूरी हैं और वो पहले पास हो जाएं, उसके बाद फिर इसके बारे में सोचेंगे, इसका पास होना भी बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबको अल्लाह मियाँ कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच।